हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल इश्यूज के बारे में। अब अगला सवाल लोग हमसे पूछेंगे कि भाई टेक्निकल इश्यूज के बारे में हम जान के क्या करेंगे, हमको क्या लेना देना, सर्जन कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से चीर रहा है, कहाँ से फाड़ रहा है, कौन से ग्राफ्ट कहाँ से ले रहा है, आर्टीएल ग्राफ्ट और वीनस ग्राफ्ट में क्या फर्क होता है, ये हम जान के क्या करेंगे। बेसिकली जानना समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर चीज आप डॉक्टर पर छोड़ दे तो सर आप हो जाएगा ना सर्जरी, बस आप कर दो। कहाँ से ग्राफ्ट लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं, मल्टीपल ब्लॉकेज जैसे सेम नली में तो उसको कैसे डील करेगा, री ब्लॉकेज हुआ तो क्यों हुआ, री ब्लॉकेज से बचने के लिए क्या किया जा रहा है उसमें। अगर कोई सर्जन आपको बोल रहा है कि ये पेशेंट में बाईपास सर्जरी में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, टेक्निकली अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्यों ऐसा बोल रहा है, तो आप ऐसा करते हैं कि नॉर्मली किसी भी सर्जन के पास गए, उसने बोला हाँ सर्जरी हो जाएगी, आपने करवा लिया, उसने कितने ग्राफ्ट डाले, कितने ग्राफ्ट नहीं डाले, कौन सी सर्जरी को टैकल किया, कौन सी सर्जरी को छोड़ दिया, ये सब चीज़ें जब आपको समझ में नहीं आएंगी तो आपको परेशान होने के और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को जानना समझना जरूरी है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और डॉक्टर के साथ बेटर वे में उसको डिस्कस कर सकें। पहला चीज़ जो समझना जरूरी है, क्या एक बाईपास ग्राफ्ट लाइफ टाइम चलता है? नहीं, बाईपास ग्राफ्ट लाइफ टाइम चले ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आर्टीरियल ग्राफ्ट है तो उसका 10 साल में चालू रहने का रेट, जो इंटरनल मेमोरी ग्राफ्ट लेते हैं, जो लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी से आने वाली इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, वो ग्राफ सबसे अच्छा चलता है। वो 10 साल में 95% केस में चालू रहता है, उसका 10 ईयर पेटेंसी रेट 95% है। जो रेडियल आर्टरी यानी हाथ का ग्राफ लेते हैं लेफ्ट वाली रेडियल आर्टरी से, वो उसका 10 साल में चालू रहने का चांसेस 85% के आसपास है। और जो पाँव की नली से ग्राफ लिया जाता है वो वीनस ग्राफ बोलते हैं, सबसे बड़ा ग्राफ्ट या लंबा ग्राफ्ट होता है वो, लेकिन उसका 10 साल में चालू रहने का चांस सिर्फ 50% है। तो आपको कौन सी ग्राफ्ट लिया गया ये जानना भी जरूरी है। कोई सर्जन है जो टोटल आर्टिकल ग्राफ्टिंग कर रहा है, कोई सर्जन है जो वीनस ग्राफ्टिंग कर रहा है, तो आपको जानना जरूरी है कि आपके पेशेंट के लिए आर्टिकल ग्राफ्टिंग अच्छा है। अगर एक सर्जन ने बोला कि मैं आपका कम पैसे में करूंगा लेकिन वीनस ग्राफ्ट करूंगा, तो आपको समझ में आना जरूरी है कि दूसरा सर्जन जो आर्टिकल ग्राफ्ट आपका कर रहा है वो आपके पेशेंट को लॉन्ग टर्म ज्यादा चलेगा। जैसे आप स्टेंट की क्वालिटी डिस्कस करते हो कि भाई ये स्टेंट अच्छा है, वो स्टेंट बुरा है, ये मेडिकेटेड स्टेंट है, वो नॉन मेडिकेटेड स्टेंट है, तो मेडिकेटेड वाला नॉन मेडिकेटेड से ज़्यादा अच्छा है, तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि उसी तरह बाईपास के ग्राफ्ट में भी सब ग्राफ्ट सेम नहीं होते। अगर सर्जन इंटरनल मेमोरी ग्राफ्ट ले रहा है या टोटल बायलैटरल इंटरनल मेमोरी के ग्राफ्ट ले रहा है वो ज़्यादा अच्छा सर्जरी है, रेडियल आर्टरी ले रहा है तो फिर भी वो अच्छी सर्जरी है, जहाँ पाँव के ग्राफ्ट ले रहा है तो अधिक ब्लॉक का चांस ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सर्जन पाँव का ग्राफ ले रहा है तो वो बिल्कुल ही खराब है, वो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, वैसा नहीं। पर प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि दो में से अगर कोई चीज़ चूज करनी है तो बेटर है कि आप बेस्ट के लिए जाओ, जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म चले। तो ये चीज़ों को जानना और समझना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो क्या है सर्जन क्या कर देगा और कौन सा ग्राफ लगा देगा, फिर ऐसा सर्जरी तो चीज़ नहीं है कि आप अभी करा और 6 महीने के बाद पसंद नहीं आया तो चेंज कर लो। कोई कपड़ा तो है नहीं कि आप उठा के फेंक दो और नया कपड़ा खरीद लो, आपको उसके साथ सारी ज़िंदगी जीना है। तो इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इस तरह के वैल्व वाले पेशेंट में भी होता है कि पेशेंट का सर्जन कौन सा वैल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, पेशेंट को कुछ अता पता नहीं चलता, और बाद में जब लग जाता है तो फिर पेशेंट परेशान होता है कि अरे ये क्यों लगा है, वो क्यों लगा दिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सर्जरी से पहले होना ज़रूरी है। ज़्यादातर ये बाईपास के ग्राफ्ट जो है आप मान के चलिए 10-20 साल तक चलते हैं, कई ग्राफ्ट लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं, लेकिन हर ग्राफ्ट लाइफ लॉन्ग चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। दवाएं इसके बाद भी लाइफ लॉन्ग चलेगी, परहेज इसके बाद भी लाइफ लॉन्ग चलेगा, एक्सरसाइज इसके बाद भी लाइफ लॉन्ग चलेगा। बाईपास हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेडिसिन लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएंगी, आपको उनके साथ ही जीना है। बाईपास कराने का पर्पज़ ये है कि मृत्यु दर को कम करे, पंप फंक्शन को इम्प्रूव करे, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करे, लेकिन दवाएं खत्म हो जाएंगी या एक्सरसाइज या खत्म हो जाएगा आपको दारू पीने की या आपको स्मोकिंग करने की या आपको व्यसन करने की छूट मिल जाएगी, वैसा एक्सपेक्ट करके बाईपास मत कराइए क्योंकि उसमें आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा एक और जो कॉन्सेप्ट है कि लोग एंजियोप्लास्टी वर्सेस बाईपास के कंपैरिजन में लोग लगता है कि क्योंकि बाईपास बड़ी सर्जरी है उसमें एक बार में सब होगा तो काम खत्म हो गया, वैसा नहीं है। बाईपास में भी अपने इश्यूज है, एंजियोप्लास्टी में भी अपने इश्यूज है, दोनों के इश्यूज को आपस में डिस्कस करके मैच करके तब डिसाइड करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मल्टीपल नली में ब्लॉकेज हो गया तो बाईपास को ही जाना है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर केस में एंजियोप्लास्टी हो सकती है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक फुल डिटेल सेपरेट वीडियो किया है, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगला इशू क्या है, आर्टरी और वेन क्या है, आर्टरी और वेन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। आर्टरी बेसिकली वो धमनी है जो हार्ट से ब्लड शरीर में लेके जाती है, और वेन वो धमनी है जो शरीर से ब्लड सक करके हार्ट में लेके आती है।
अब आर्टरी की दीवारें ज्यादा रिजिड और थिक होती है, ज्यादा इलास्टिक टिश्यू होता है क्योंकि वो हाई प्रेशर में ब्लड को लेके जाती है। हार्ट जो ब्लड पुश करता है वो हाई प्रेशर में होता है, इसलिए जब भी कोई आर्टरी में छोटा सा छेद हो जाए तो ब्लड की धार निकल जाती है, बहुत जेट से ब्लड निकलता है। जबकि वेन में अगर जो इंजेक्शन से सैंपल वगैरह लेते हैं या जो सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं वो वेन होती है, उसमें डायरेक्ट ब्लड होता है, तो वो ब्लड तो वेन धीरे धीरे लो प्रेशर पर सक करके हार्ट के पास लेके जाता है, तो वो लो प्रेशर चैनल्स होते हैं, तो वो कंपेरेटिवली उनकी दीवारें भी पतली होती है और वो इतना हाई प्रेशर झेलने की उसमें ताकत नहीं होती है। इसी वजह से आर्टेरियल ग्राफ्ट कंपेरेटिवली ज्यादा चलते हैं, वीनस ग्राफ्ट कंपेरेटिवली कम चलते हैं, क्योंकि आर्टेरियल ग्राफ्ट को उतना प्रेशर झेलने की आदत है। जब आप हार्ट में वही ग्राफ को लगा दोगे तो आर्टरी ज्यादातर ज्यादा लंबे समय तक उस प्रेशर को झेल सकती है, क्योंकि वो बनाया ही ऊपर वाले ने इस डिजाइन के साथ है कि वो उतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके। लेकिन वीनस ग्राफ को भगवान ने बनाया है कि लो प्रेशर के हिसाब से ब्लड को खाली सक कर करके ट्यूब के जैसे लेके जाने का है, उसमें मस्क्यूलेचर नहीं होता, उसमें इलास्टिक टिश्यू नहीं होता, तो इसलिए जब वीनस ग्राफ आप लगाते हो तो वो चौड़े जरूर होते हैं, आर्टरी से ज्यादा चौड़े होते हैं, आर्टरी का साइज इतना तो उसका इतना होगा, लेकिन वेन कंपेरेटिवली ब्लड एक बार में ज्यादा जरूर लेके जा सकता है, लेकिन उतना प्रेशर को झेल पाने की उसमें आदत नहीं होती, इस पर ताकत नहीं होती, इसलिए लंबे समय में वीनस ग्राफ जल्दी खराब होते हैं और जल्दी उनके रिजल्ट्स बिगड़ जाते हैं। आर्टेरियल ग्राफ्ट को कई बार सर्जन क्यों नहीं कर पाते, सर्जन हर केस में आर्टेरियल ग्राफ्ट ही क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि आर्टेरियल ग्राफ्ट कंपेरेटिवली कई बार छोटे होते हैं, उनका हार्वेस्ट करना भी कई बार डिफिकल्ट होता है, कई बार निकालते समय भी उनमें स्पाजम हो जाता है, वो चौट जाती है, जिसकी वजह से निकालना मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है कि जो हाथ की नली में ग्राफ्ट निकालते हैं, अगर हाथ की दूसरी नली ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है या उसी नली में ऑलरेडी कोई चोक वोक है, नली पतली है, तो नहीं निकाल सकते उसको, क्योंकि वो यूजेबल नहीं होगी, फिर ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हाथ का काम ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। रेगुलर हाथ में क्या है, दो नसें होती है, दोनों में से एक भी अगर ठीक ठाक चलती रहे तो काम चलता रहेगा, पर अगर दूसरी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो फिर आप नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर किसी को सबक्लेवियन आर्टरी में या जो ये नस सप्लाई कर रही है वो हाथ को, अगर यहाँ पे ही कोई चोक है तो आप वहां से ग्राफ्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑलरेडी चोक है तो ना आप इंटरनल मेमोरी ग्राफ को ले सकते हो ना आप रेडियल आर्टरी को ले सकते हो, क्योंकि दोनों में ही ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चोक है तो हाथ में ही ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो वैसे केस में आपको ये दोनों ग्राफ्ट की हार्वेस्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है, और ऐसे केस में कई बार वीनस ग्राफ्ट लेना पड़ता है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, कि कई बार सर्जन वीनस ग्राफ्ट ले रहा है तो शौक से नहीं ले रहा, मजबूरी में भी ले रहा है, डिस्कस करना जरूरी है उस चीज को। इंटरनल मेमोरी आर्टरी दोनों साइड के क्यों नहीं लेते, क्योंकि एक राइट की होती है एक लेफ्ट की होती है, दोनों को ही डायरेक्ट लगा दो, दोनों को लगाना प्रेफर जरूर करते हैं, पर थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह का चांस ज्यादा होता है, स्टर्नम का घाव उतने जल्दी इजीली ना भरे ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो घाव है जहाँ चीरा लगाते हैं ये दोनों आर्टरी उस स्टर्नम को भी सप्लाई करती है नॉर्मली, तो अगर हम उसको निकाल के हार्ट पे अगर लगा दिया तो वो एरिया में वुंड हीलिंग कई बार कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि वुंड हीलिंग के लिए भी ब्लड लगता है, तो ब्लड वो एरिया में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वहाँ इन्फेक्शन होने का चांस खासकर डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए कई बार सर्जन बायलैटरल इंटरनल मेमोरी ग्राफ्ट नहीं लेते, सिर्फ लेफ्ट वाले इंटरनल मेमोरी ग्राफ्ट लेते हैं, रेडियल लेते हैं या सबक्लेवियन लेते हैं। लेफ्ट रेडियल के साथ कई सर्जन करते हैं बायलैटरल ग्राफ्ट, पर थोड़ा सा उसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अगर 7 से 8 ब्लॉकेजेस है तो सर्जन ग्राफ्ट तो 3 नहीं लिया तो 8 ब्लॉकेजेस कैसे डील कर लिया, तो उसमें भी कुछ टेक्निक्स होती है। उसमें क्या होता है कि सर्जन एक ट्यूब को एओर्टा यानी मेन नली से कनेक्ट करता है, यहाँ से मेन नली से कनेक्ट करता है, वो नली के पास लेके जाता है, उसका एक टुकड़ा उस नली में लगाता है, फिर उसी टुकड़े का दूसरा भाग दूसरे नली में लगाता है, और तीसरा भाग एक एक्स्ट्रा ट्यूबिंग के साथ उसी नली का तीसरे नली में लगाता है। तो इसे सिक्वेंशियल ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कि एक नली से दूसरे और तीसरे में कनेक्ट कर रहा है उसी नली को। और जब एक ही नली में 2-3 जगह ब्लॉकेज है, सर्जन को उसी नली में मल्टीपल सेगमेंट्स को कलेक्ट करना है, तो वो जंप ग्राफ्टिंग टेक्निक यूज करते हैं या वाई ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। जंप ग्राफ्ट में साइड ऑन मैकेनिज्म से सेमी ग्राफ्ट को उसी नली में 2-3 जगह पे कनेक्ट कर देते हैं। वाई ग्राफ्टिंग में भी यही है कि एक ही नली के 2 पॉइंट्स पर उस नली में एक्स्ट्रा ट्यूबिंग लगा के उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो सेम नली में ये टेक्निक यूज करते हैं, जिससे एक ही नली के मल्टीपल ब्लॉकेजेस को डील किया जा सकता है, और नहीं तो एक ही ग्राफ से 2-3 नलियों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज टेक्निक्स है जिससे सर्जन कम ग्राफ्स में ज्यादा ब्लॉकेजेस को डील कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ आर्टिफिशियल ट्यूबिंग्स को यूज कर ले, प्लास्टिक की ट्यूब इतनी आती है, जब इंसान इतनी ट्यूब्स बना सकता है तो हम मल्टीपल आर्टिफिशियल ट्यूब्स क्यों नहीं बना सकते, प्लास्टिक की ट्यूब क्यों नहीं लगा सकते।
ये सारी ट्यूब्स जो है यार लिविंग स्ट्रक्चर्स, इन ये ब्लड कंडक्ट करने के लिए ऊपर वाले ने इनको जैसा बनाया वो सेम स्ट्रक्चर हम मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, एटलीस्ट आज के डेट में तो इतनी तरक्की नहीं हुई है कि सर्जन वो ट्यूबिंग को प्रॉपरली बना सके। तो इसीलिए ये जो ट्यूबिंग्स है प्लास्टिक की ट्यूबिंग्स को आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ट्यूबिंग्स में लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे और उसमें रीब्लॉकेज होने का चांस बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी वो खराब हो जाएंगे या इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें। कई बार अगला क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते कि मल्टीपल ग्राफ्ट ले लो, हर ब्लॉकेज को सेपरेट ले दो, इसको सेपरेट उसको सेपरेट। आइडियली वो अच्छा हो सकता है, लेकिन जितने नंबर ऑफ ग्राफ्स होते हैं उतना वो हार्ट की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। हर तरफ से आप 8 ब्लॉकेज है तो 8 जगह पे ग्राफ लगाओगे तो जितना ग्राफ्ट का लेंथ लगेगा वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप हार्ट के पास सिक्वेंशियल ग्राफ्टिंग करोगे तो एक्स्ट्रा छोटी छोटी कंडक्शन पॉइंट्स लगेंगे, अगर आप पूरी मेन नली से उनको कनेक्ट करना चालू कर दोगे तो ज्यादा बड़ी बड़ी ट्यूबिंग्स लगेंगी तो वो हार्ट को ज्यादा प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ग्राफ्ट की लेंथ ज्यादा लगेगी, नंबर ऑफ ग्राफ्ट ज्यादा लगेंगे। अब ग्राफ्ट के हैं कितने, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब राइट हैंड की रेडियल आर्टरी आप नहीं ले सकते, नहीं तो आदमी काम करना मुश्किल हो जाएगा। पाओ में भी 1 या मैक्सिमम दोनों साइड के ले सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो यूज कर सकते हैं वो लिमिटेड है। और आदमी को कुछ कुछ ग्राफ्ट फ्यूचर के लिए भी छोड़ने पड़ते हैं कि बाय चांस अगर फ्यूचर में दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ी तो भी एक आध ग्राफ्ट एटलीस्ट छोड़ा जाए ताकि फ्यूचर में कुछ किया जा सके। तो इसीलिए सर्जन ग्राफ्ट को वेस्ट नहीं कर सकता, मल्टीपल फैंसी के लिए 10 ट्यूब लगा दिया वैसा नहीं कर सकता, नहीं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। अगला इश्यू है कि बाईपास सर्जरी को एंजियोप्लास्टी पर प्रिफर कब करते हैं, जब नलियां बहुत हार्ड हो, कैल्सीफाइड हो, टॉर्चुअस हो, लेफ्ट मेन नलियां हो, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो, मल्टीपल लेजन्स हो, एंजियोप्लास्टी के लिए टेक्निकल फीजिबिलिटी नहीं हो, या पेशेंट की बॉडी को स्टैंड सूट नहीं हो रहा हो, बार बार रीब्लॉकेज आ रहे हो, तो वैसे केस में हम बाईपास को प्रिफर करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या बाईपास सर्जरी को हम प्रोफाइलेक्टिकली कर सकते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी लोग 30-40-50% में भी करा लेते हैं कि चलो करा के खत्म करो बाद में देखी जाएगी। खैर एंजियोप्लास्टी के लिए भी वो रिकमेंडेड नहीं है, 70% से ज्यादा हो तो ही आपको स्टैंड करना है, नहीं तो नहीं। पर बाईपास में वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो या तो बाईपास में से जाएगा या खुद की नली में से जाएगा। आप अगर दोनों नलियों को एक साथ कनेक्ट करके अगर छोड़ दोगे तो ब्लड या तो खुद की नली में अगर लो प्रेशर है तो उसी से चला जाएगा, या बाईपास नली में लो प्रेशर है तो उससे चला जाएगा, एक दोनों में से बंद जरूर हो जाएगी। तो इसलिए प्रोफाइलेक्टिकली बाईपास आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रोफाइलेक्टिकली बाईपास करते हो तो दोनों ही के फेल होने का चांस है, कि पहले चांस है कि बाईपास का जो ग्राफ्ट है आपका वो तुरंत ही ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ब्लड उसमें से जाएगा ही नहीं, जब ब्लड जाएगा नहीं तो ब्लड उसमें अटक जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो तुरंत ही बंद हो जाएगा। तो बाईपास में फेलियर का रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा, अगर आपने 10% ब्लॉकेज में या 30-40-50% में बाईपास कर दिया तो आपको बाईपास हमेशा 70 से ऊपर में ही ज्यादातर प्रेफर करना है। स्टेंट का भी वैसे ही है, हालांकि स्टेंट में ये इशू नहीं आता कि आपने जल्दी कर दिया तो स्टेंट क्लॉट हो जाएगा, पर बाईपास में वो इशू आता है। तो इसलिए प्रोफाइलेक्टिकली स्टेंटिंग हो सकती है, पर प्रोफाइलेक्टिक बाईपास नहीं करना चाहिए। 70% पहुंचने से पहले आपको स्टेंट कर सकते हो पर बाईपास नहीं करना चाहिए, हालांकि करना स्टेंट भी नहीं चाहिए, कर सकते हैं, करना गलत नहीं होगा, पर बाईपास में तो बिल्कुल करके आप फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए कई बार सर्जन ओवर एग्रेसिवनेस में बाईपास सर्जरी 60-70% वाले ब्लॉकेज में भी कर देते हैं उस नली में, तो वो कई बार उल्टा पड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है। लास्ट इशू जो हम बात करेंगे कि बाईपास अक्यूट हार्ट अटैक में क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हमने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है। बाईपास सर्जरी अक्यूट हार्ट में इसलिए नहीं, हार्ट अटैक में इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम हार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उस समय में अगर आप बाईपास सर्जरी करने जाओगे तो पेशेंट का जान का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, क्लॉटिंग का चांस कई गुना बढ़ जाता है, बाईपास के फेल होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, सर्जिकल रिजल्ट उतने नहीं अच्छे आते, मृत्यु दर कई गुना ज्यादा रहता है। तो इसलिए अगर हार्ट अटैक हुआ हो किसी व्यक्ति को, ट्रोपोनिन एंजाइम पॉजिटिव है, तो 15-20 दिन वेट करके जब ट्रोपोनिन वैल्यूज नॉर्मल आते हैं उसके बाद ही बाईपास सर्जरी की जाती है। हड़बड़ाहट में बाईपास सर्जरी करने का मतलब नहीं, अक्यूट हार्ट अटैक में खाली स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी ही हो पाती है। बाईपास के लिए अगर करना भी है और पेशेंट बाईपास के लिए ही सूटेबल है तो भी 15-20 दिन, एक महीना वेट करके ही बाईपास करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ टेक्निकल इश्यूज के बारे में बात की बाईपास सर्जरी संबंधित। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को अंत तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। और जो लोग ये सारा कंटेंट को पूरा डिटेल नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं।